टू माय यूट्यूब चैनल देसी ज्ञान। जैसा कि आप सबने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम टेबल क्लॉथ बनाने वाले हैं। ये जो हमने मेथड निकाला है अपने सबसे इजी और बेस्ट मेथड है। जैसा कि आपने थोड़ी देर वीडियो में देख ही लिया होगा, आपको क्या एज्यूम करना है कि जो ये पॉइंट्स हैं ये सारे नेल्स हैं और इन सब के बीच में एक इंच का गैप है। तो आपको क्या एज्यूम करना है कि जो ये पिंक कलर है ये पिंक वूल है और ये ग्रीन कलर है वो वाइट वूल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे आपको ज़रूरी बात ये ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरफ नेल्स लेंगे वो ऑड नंबर्स होने चाहिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपको हमेशा ऑड नंबर्स लेने हैं। इस तरफ भी ऑड और इस तरफ भी ऑड होने चाहिए। अगर आप इवन लेंगे तो ये डिज़ाइन नहीं आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से थ्रेडिंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि ये है आपने लिया पिंक वूल, तो आपको यहाँ पे एक थ्रेड नॉट बांधना और यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से आपको सीधा इसमें आना है और यहाँ पे आपको कम से कम 2-3 बार इसके, मतलब आप जितना मोटा चाहते हैं, मतलब जितना मोटा वूल होना चाहिए उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे इसमें आप 5 राउंड ले सकते हैं, 6, 7, 8, जिसको आप जितना आपको थिक चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। ये यहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना है कि एक यहाँ से छोड़ के फिर आपको इसमें आना है, फिर वही आपको रिपीट करना है 7, 8, 10 टर्न्स। उसके बाद फिर से आपको एक गैप छोड़ना है, फिर आपको यहाँ से इसमें आते जाना है, फिर आपको यही करना है, फिर इसमें ये, फिर आपको इसमें आना है, फिर इसमें, इसमें भी आपको 7, 8 टर्न्स लेना है। उसके बाद आपको रुक जाना है। अब जब यहाँ पे आप पहुँच गए तो आपको थ्रेड को तोड़ना नहीं है, उसको आप कंटिन्यू नहीं से कर सकते हैं कि आप यहाँ से लेके गए और यहाँ से आपने इसको घुमा दिया, फिर आप वही स्टेप फिर से फॉलो करते रहिए, फिर वही टर्न्स, फिर से यहाँ एक गैप, फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर वही टर्न्स, फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर वही टर्न्स, फिर से यहाँ पे आ जाइए, फिर यहीं पे वो टर्न्स, फिर यहाँ पे ये यह आपको टर्न्स जितने भी आपको लेने हैं आपकी मर्जी है, आपको कितना थिक चाहिए, ठीक है, ओके। ये जो हमने पिंक बनाया ये चीज़ हमारी, ये चीज़ बनी है जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है, ये जो हमारा ये बना है जो हमारा टेबल क्लॉथ, ये 3 लेयर्स में बना है। तो सबसे पहले हमने ये पिंक वाली लेयर दी है, अब हम देंगे वाइट, जो हमारे ये फ्लावर्स बने हैं उसको हमने ग्रीन से एज्यूम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आपकी बार यहाँ से स्टार्ट करना है, जो हमारा एक गैप आया है तो आपको फिर से वही करना है, वही टर्न्स लेना है, फिर से फिर आपको फिर वही टर्न, फिर आप यहाँ से आ जाइए, फिर ऐसे आ जाइए, वही टर्न्स लेने ज़रूरी हैं आपको, फिर यहाँ से फिर आ जाइए, फिर आपको इसको ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यू करना है, यहाँ से यहाँ पे आ जाइए, फिर ऐसे, फिर वही टर्न्स, फिर इसमें आ जाइए, फिर वही टर्न्स, टर्न्स मैं आपको एक ही टर्न लेके दिखा रहा हूँ, मगर आपको यहाँ पे 8-10 टर्न्स लेने हैं, जितना आपका थिक थ्रेड है। कोई कोई थ्रेड होते हैं जो पतले होते हैं, कोई कोई मोटे होते हैं, तो आपको उसके हिसाब से देख लेना आपको कितनी थिकनेस चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे आए, फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से आ रहे हो तो यहाँ से आए, नहीं, आप यहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, जो अब यहाँ पे थ्रेड आया तो आपको यहीं से कंटिन्यू करना है और आपको यहाँ से ले जाना है सीधा यहाँ, फिर वही आपको टर्न्स लगाने हैं पूरे जो आप लगाते आ रहे हैं। उसके बाद फिर आपको इस ग्रीन पे आना है, क्योंकि हमें अभी हम ग्रीन वूल यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको खाली ग्रीन पे आपको ऐसे राउंड लगाने हैं, फिर आपको फिर से यहाँ पे ग्रीन पे आपको ब्रेक नहीं करना है बिल्कुल भी थ्रेड को, वही एक थ्रेड जो चल रही है आपको उसी को चलाते जाना है, बिल्कुल वही चलते जाएगा राउंड, फिर यहीं से यहाँ पे आ गए, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर से यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ब्रेक नहीं करना है आपको, फिर आप यहाँ से इसको लगा के कील के साइड साइड से नील को यूज़ करके यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ पे आए, फिर से आपको वही यूज़ करना है, यहाँ पे टच कर दिया, ये टच कर दिया, फिर यहाँ से ऐसे आ गए, फिर यहाँ पे राउंड, फिर यहाँ पे, फिर राउंड, फिर यहाँ,
आपको क्या करना है, आप यहाँ पे पहुँचे, आपको फिर से ब्रेक नहीं करना है, यहाँ से आना है इस लास्ट नेल से लेके फिर से आपको इस तरफ को आपको यहाँ से फिर टच करना है, फिर ऐसे राउंड, फिर ऐसे, फिर आपको यहाँ से फिर से वही खाली आपको जो ग्रीन आपके जो पॉइंट्स है ना खाली आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ग्रीन जो आपके ग्रीन पॉइंट्स है आपको वहीं पर टच करना है खाली, फिर से आपको वही बिल्कुल वही सेम मेथड है आपको यूज़ करना है, उसके बाद फिर से आपको ब्रेक नहीं करना है, फिर आपको यहाँ पे यहाँ से घुमा के फिर आप यहाँ पे वही टच करना, मैं आपको का राउंड नहीं करा क्योंकि ज़्यादा ये क्लमजी टाइप हो रहा है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, आपको फिर यहाँ से मैं खाली एक एक बार टच कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ से घुमाया आपने इसको यहाँ, फिर यहाँ से लेके गए फिर यहाँ, बस ये मतलब ये वाइट कलर हमने मान रखा है, बस इसका इतना ही यूज़ था। अब आपको क्या करना है, पिंक कलर फिर से लेना है, और अब आपको क्या करना है कि जो ये पिंक वाले हैं आप इनको उसी तरह उसी मेथड में आपको टच करते जाना है, वैसे राउंड्स लगाना है, फिर आगे आए फिर आपको यहाँ से करना है, फिर आगे आए फिर वही, मैं आपको टच करके दिखा रहा हूँ खाली क्योंकि ज़्यादा क्लमजी टाइप हो रहा है इसलिए, फिर से आपको यहीं पर टच करना है, यह हो गया, फिर वहीं पर राउंड लगाया फिर आपने यहाँ पर टच कर दिया, फिर यहाँ फिर वही, फिर आप यहाँ से लेके आ गए, फिर यहाँ से लेके आ गए यहाँ आपको क्या करना है, अब फिर से यहाँ तक आप पहुँच गए, अब यहाँ से फिर से आपको रिवर्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से थ्रेड सीधा आप यहाँ ले जा सकते हैं, खाली आपको पिंक डॉट से खाली आपको वहीं पर टच करना है, फिर यहाँ से आगे फिर यहाँ से ले जाइए, इसको टच कर दिया, फिर यहाँ से 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 इसको टच कर दिया, फिर उसी थ्रेड को आप यहाँ से ले जाके यहाँ पे ले आए, फिर यहाँ से इसको टच कर दिया, 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 बस आपको इतना ही काम करना था। अगर आप इसका फुल प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं।